प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, प्रेस दी बेल आइकन, यू विल रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशन। आज हम बनाएंगे सांभर। सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए साबुत धनिया, दाना मेथी, काली मिर्च, राई, चना दाल, जीरा, हल्दी, नारियल का बुरादा, लाल मिर्च साबुत, नमक, करी लीव, इमली का पल्प, ऑयल, तुअर दाल। तुअर दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है, तो ये भीगी हुई तुअर दाल है। सब्जी में हमें चाहिए आधी लौकी, एक गाजर, तीन चार बैंगन, एक आलू, तीन चार प्याज और एक टमाटर। एक कुकर में हम सबसे पहले 2.5 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें हमारी सोखी हुई तुअर दाल डालेंगे और 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे और हमारी कटी हुई सब्जियां डालेंगे, आलू, तीन चार बैंगन, एक गाजर कटी हुई और आधी लौकी कटी हुई। प्याज और टमाटर हमें नहीं डालना है। अब हम इसे ढक्कन लगा के बंद करेंगे और 1 सीटी आने का वेट करेंगे। 1 सीटी आ चुकी है। अब तो हम अलग से मसाला प्रिपेयर करने के लिए एक पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसके अंदर 2 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1.5 चम्मच राई, आधा चम्मच दाना मेथी, 6-7 काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च आपने तीखेपन के हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको कितना तीखा चाहिए। 2 चम्मच सूखा हुआ नारियल का बुरादा, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने देंगे पकने के बाद। जब हमारा मिक्सर ठंडा हो जाए तो हम इसे ग्राइंड करना है। एक पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें ये देखिए हमारी दाल रेडी हो चुकी है। इसमें करी लीव और प्याज डाल के इसे भुनेंगे। प्याज भुनने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, नमक डालेंगे और जो हमने सांभर मसाला रेडी किया था वो डालेंगे। इमली का पल्प डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। हमारा मसाला बनके रेडी है। अब इसे हम दाल में ऐड करेंगे। हमारी दाल थिक है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको पतली आपकी सांभर चाहिए उस अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कवर करेंगे। कवर होने के बाद ही थोड़ी देर बाद इसमें बॉईल आ चुका है हमारे। इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अलग से इतने हम तड़का रेडी करेंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें 1 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 साबुत लाल मिर्च और 6-7 कड़ी पत्ते डाल के तड़का लगाएंगे हम सांभर में। हमारी सांभर बन के रेडी है। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। हमारी सांभर बन के तैयार है। इसे कोरिएंडर से गार्निश करें और सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।